देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटा। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहां पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निकर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 2223, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों की जो जिम्मेवारी पार्टी ने इलाहाबाद के उपचुनाव में लगाई थी, आप सब ने अपनी जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभा करके जहां मुझे जिताने का काम किया, वहीं पूरे प्रदेश और देश में एक मैसेज दिया कि आज सारी पार्टियां मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जहां कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, वहीं संगठन के बलबूते पे पार्टी के कार्यकर्ता ने एकजुटता के साथ मेहनत करके एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन आज भी अन्य पार्टियों के मुकाबले में मजबूत है, ताकतवर है। इसके लिए आज आपको बधाई देने भी आया। केंद्र की सरकार किस तरह से मनमाने निर्णय लेकर के आज आम आदमी को परेशान करने का काम कर रही है। प्रदेश में कृषि के तीन काले कानून केंद्र की सरकार ने बनाए और एक वर्ष तक लगातार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसान ने दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर लगते थे, उन बॉर्डर के ऊपर लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के अपना घर बार परिवार खेत बच्चे सब छोड़ करके किसान को इंसाफ मिले, कृषि के तीन काले कानून वापिस हो, किसान सम्मान के साथ घर वापसी करे, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई के अंदर हरियाणा प्रदेश का एक विशेष योगदान था। हरियाणा के लोगों ने जहां आंदोलन का मजबूत किया, वहीं हमारे बीच में चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे राजस्थान का, चाहे वो पंजाब का किसान आया हुआ था, उसको एक ताकत देने का काम किया, उसमें एक विश्वास पैदा किया कि जिस मकसद को लेकर के आप लोग यहां बॉर्डर पे आए, जब तक आप अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाओगे, हम मजबूती के साथ आपकी इसकी लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। और उसी का नतीजा था कि एक साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के काले कानून वापस लेने पड़े। मेरे से पहले उमेश जी जिक्र कर रहे थे कि तीन काले कानून तो वापिस हो गए, एक चौथा नया कानून इस प्रदेश में बन गया। और प्रदेश में जब ये कानून बन रहा था, उस वक्त मैं विधानसभा का सदस्य नहीं था, मैंने इस्तीफा दे रखा था। अगर मैं सदस्य होता तो उसी दिन हरियाणा प्रदेश की सरकार को बैकफुट पे ले आता, उसी दिन विधानसभा में
सरकार को कटघरे में खड़ा कर लेता, सरकार से सवाल जवाब तलब करता। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के 30 एमएलए थे जो ये कहते हैं कि हम तो किसान के हितैषी हैं, और सरकार जब कोई इस तरह का निर्णय ले तो विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसका विरोध करे। लेकिन वह चौथा कानून जब बना तो कांग्रेस के किसी एक विधायक ने भी उसका विरोध नहीं किया। अगर विरोध किया होता तो फिर 100% आप लोगों को अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी होती कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोई कृषि का चौथा कानून भी बना दिया गया जो इन तीन काले कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको जानकारी है उस चौथे कानून की? क्या किसी एक को भी जानकारी नहीं है? मैंने अनेक जगह लोगों से पूछा है कि कोई एक नया कानून हमारे प्रदेश में बना है, क्या आप उसके बारे में जानते हो? सबने कहा कि कोई जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है कि जब वो कानून बन रहा था, जब वो बिल लेकर के आए थे, तो जिस अपोजिशन की जिम्मेवारी बनती थी उसका विरोध करना, उसने विरोध करने की बजाय चुप्पी साध ली। और चुप्पी साधने का भी एक कारण था, वो कानून जो बनाया गया है वो 2012 में कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, लेकिन कांग्रेस 2012 में इसलिए उस कानून को, उस बिल को लागू नहीं करवा सकी क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विपक्ष के नेता थे, उन्होंने पटल पे रखा था और हमने उसका डट करके विरोध किया था, इसलिए सरकार उसको लागू नहीं करवा सकी। जब बीजेपी वाले इसको बिल को लेकर के आए तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस की तरफ इशारा करके कहा कि जो कानून आप नहीं बना सके थे हम वो कानून बनाने जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के लोग उसका विरोध नहीं कर रहे थे। उस कानून को लागू होने के बाद मान के चलो किसान के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और खास करके जो शहरों के साथ लगते हुए गांव की जमीन है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उस जमीन को आने वाले समय में डिप्टी कमिश्नर जो है, जो सर्कल रेट उन्होंने तय किए उस सर्कल रेट के हिसाब से 48 घंटे में उस जमीन को इक्वायर कर लेगा। आज भट्टू के साथ लगती हुई जमीन जिसकी कीमत करोड़ रुपए एकड़ होगी, अगर सर्कल रेट यहां पे 20 लाख रुपए होगा, तो पहले तो ये होता था किसी किसान की जमीन को अगर सरकार इक्वायर करती थी तो पहले नोटिस देती थी, और उस नोटिस के बाद भी उस जमीन के अंदर जो साझेदार हुआ करते थे, जिनके खाते सांझे थे, उसमें 70% लोगों की सहमति होती थी। वो 70% लोग जब सहमति देते थे उसके बाद ही सरकार उस जमीन को इक्वायर कर सकती थी, अदरवाइज वो जमीन इक्वायर नहीं होती थी। उसके बावजूद भी सरकार अगर इक्वायर करती तो उसके पास उस जमीन को बचाने के लिए कोर्ट का रास्ता उसके पास होता था, वो कोर्ट में जा सकता था, कोर्ट में जाकर के अपनी जमीन को बचाने के लिए गुहार लगा सकता था। लेकिन ये जो बिल पास हुआ है पीछे, इसमें तो ये भी तय कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी जमीन सरकार इक्वायर करेगी वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकेगा, उसको डीसी सर्कल के हिसाब से, सर्कल रेट के हिसाब से पैसा लेना पड़ेगा। और उसमें भी ये रख दिया कि 48 घंटे के अंदर, नोटिस देने के बाद 48 घंटे में उस खेत में क्या सामान है किसान अपना सामान बाहर निकाल ले। अगर किसी के ट्यूबवेल लगा है, अगर किसी का खेत में मकान है, किसी के पशु है, किसी का ट्रैक्टर है, किसी का और सामान उस खेत में पड़ा है, अगर वो 48 घंटे में बाहर निकाल लेगा तो ठीक है, नहीं निकाल लेगा तो सरकार उस सामान को, उस संपत्ति को भी अपने कब्जे में ले लेगी, उसका भी मालिकाना सरकार उसका खत्म कर देगी, उसका कोई एक पैसा नहीं देगी। ये सबसे घातक चीज जो है इस पिछले सेशन में, मेरे जो ये पिछला उससे पिछले सेशन के अंदर इस तरह का कानून सरकार ने बनाया। हमें आने वाले समय के अंदर लोगों में इस बात को लेकर के जागृति पैदा करनी पड़ेगी, अपने अपने गांव में लोगों के बीच में इस बात को प्रचारित करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ हमें फिर से लामबंद होकर के अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए इस लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा।
जो कृषि के तीन काले कानूनों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो कह रहे थे हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हम केवल किसान के साथ हैं, आज उनके बेचारे बेनकाब हो गए कि नहीं हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल किसान के नाम के ऊपर अपना राजनीतिक दाव लगाना चाहते थे, जो पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन लोग उनका दिवालिया निकाल देंगे। लोगों ने भी एक फैसला कर रखा है कि इस तरह के जो नेता है इनका जरूर बंदोबस्त किया जाए, लेकिन हमें क्योंकि चौधरी देवीलाल की लगाई हुई पौध है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी, हमेशा किसान को कैसे ज्यादा उसको ताकत मिल सके, कैसे किसान भी अपने पैरों पर अच्छे ढंग से खड़ा हो सके, उन्होंने इस तरह के जब सत्ता में होते थे तो इस तरह के निर्णय लिया करते थे, और जो सत्ता से बाहर होते थे किसान की कोई अनदेखी करता था तो उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। और ये भट्टू का इलाका जो है ये तो चौधरी देवीलाल का पैतृक है। सन 1977 में चौधरी देवीलाल आपके यहां से चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद जब आपने उनको विधानसभा में भेजा तो फिर मुख्यमंत्री बनके उन्होंने आपके इस इलाके के अंदर जो दिक्कतें थी कठिनाइयां थी उनको दूर करने का काम किया, उनका तो विशेष लगाव रहा। और भट्टू हल्के के लोगों ने भी हमेशा चौधरी साहब को बहुत सम्मान दिया। केवल इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं ऊब चुक होगी आपसे भी, होगी कि नहीं होगी थी, कुछ ऐसे लोग थे जो चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के बेचारे बन के आए थे, ये कह रहे थे कि हमें तो घर से निकाल दिया, और उसके साथ साथ वायदे करते थे, कहते थे 5100 रुपए पेंशन कर देंगे, पढ़े लिखे हर नौजवान को रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे 11000 रुपए, इस तरह के वायदे करते थे, और वायदे करके वोट मांगते थे, और ये कहते थे कि ये भाजपा जो है ये तो इसके हाथों खून से रंगे हुए हैं। उस वक्त इस बात का जिक्र करते थे वो लोग कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान इस भारतीय जनता पार्टी ने 32 नौजवानों को कत्लेआम किया, हम उन 32 नौजवानों का जो जहां इन्होंने मरवाने का काम किया, अगर हम सत्ता में होंगे तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, इस तरह के भाषण होते थे उनके। लेकिन जब 10-11 जीत गए तो कैसे सरकार में दाव लगे, इसके लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों को भी गिरवी रख दिया और भाजपा की गोद में बैठ गए। बैठ गए कि नहीं बैठ गए? और गोद में नहीं बैठे, दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए। आज तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आम आदमी से पूछ के देखो वही कहेगा कि हरियाणा को लूट के खा गए जेजेपी वाले, खा गए कि नहीं खा गए? अभी भी खाने लग रहे, जहां प्रदेश को लूट लिया वही नौजवान के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। इन्होंने कहा था नौजवान को रोजगार जिसको नहीं मिलेगा हम उसको 11000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, भत्ता तो बहुत दूर की बात है, जो सर्वे होते हैं कि कहां किस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी है, हरियाणा नंबर 1 पे आता है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर किसी प्रदेश में है तो हरियाणा प्रदेश में है। अब इन्होंने पीछे 75% का नाम दिया कि हम कानून बनाने जा रहे हैं, और वो कानून भी 15 जनवरी से लागू हुआ था। आपके समझने की जरूरत है, अब तक जितनी इंडस्ट्री चल रही है, अब तक जितने प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई ऑफिसेज है उनमें किसी बच्चे को रोजगार नहीं मिल सकता क्योंकि उसमें पहले से लगे हुए, नई कोई इंडस्ट्री लगेगी नहीं प्रदेश में, इसलिए नहीं लगेगी कि यहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यहां तो लुटेरों का गिरोह है। आज आप तहसील में जाते हो किसी काम के लिए,
तो पहले पैसे मांगते हैं। अगर पटवारी से फर्द भी मांगो तो भी पैसे देने पड़ते हैं। तहसील में किसी रजिस्ट्री के लिए जाओ तो पैसे देने पड़ते हैं। वीडियो के दफ्तर में पंचायत की तरफ से कोई ग्रांट लेने जाओ तो उसके एवज में भी कहते हैं 10% दे, 12 दे, 15 दे, फिर काम होगा। हर चीज में पैसे मांगे जाते हैं। आज बहुत से ऐसे राज्य हैं जो राज्य इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला करके ये कहते हैं कि हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, हम आपको पूरी बिजली देंगे, कानून व्यवस्था की गारंटी देंगे, हम आपको रोड बना करके देंगे, कोई किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं होगी, आपको आकर के कोई भी सरकारी अधिकारी परेशान नहीं करेगा। तो इंडस्ट्री वाला वहां जाएगा, हरियाणा में आएगा, वो तो वही जाएगा, नया कुछ लगना नहीं, तो फिर नौकरी कहां से मिलेगी। और वो भी ऐसा आधा अधूरा कानून बनाया जो हाईकोर्ट में स्टे हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि विपक्ष वाले जो है इस कानून को लागू नहीं होने देना चाहते। आपको हैरानी होगी सुनकर के, इस एक्ट के खिलाफ कोर्ट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट गया वो भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसका जो वकील था वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का रहा। उसने आकर के उस इंडस्ट्रियलिस्ट की पैरवी करी और उसने कोर्ट के अंदर दलीलें दी, बताया कि ये कानून किस लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए घातक है। उसकी बात को सुनकर के कोर्ट ने फैसला दिया, खुद कानून बनाते हैं, खुद ही उसके खिलाफ अपने लोगों को खड़ा करते हैं, खुद ही उस पर स्टे कराते हैं, आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। अगर विपक्ष तो होता है तो फिर मान के चलो उस कानून में कोई खामियां नहीं रहती, फिर तो कानून बनाते दफा विपक्ष पूछ लेता। विपक्ष तो हुड्डा है जो भारतीय जनता पार्टी की जेब में है, हैक नहीं है। ये कल परसों का उदाहरण है, इलाहाबाद का चुनाव था, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों के लिए वोट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे, सरेआम जाके वोट मांग रहे थे, कह रहे थे हमने तो अभय सिंह को हराना है, बीजेपी जीत जाए, खुद वाले की जमानत जब्त करा ली। और हुड्डा तो यहां कह करके गया था सरेआम कि भी वोट तो कांग्रेस के लिए मांगने आया हूं, लेकिन गोपाल कांडा मेरा मित्र है, दोस्त है, इसका ध्यान रखना। क्या गया था नहीं क्या गया था? तो विपक्ष तो मिला हुआ है। आज अगर विपक्ष की कोई लड़ाई लड़ रहा है, आज अगर पूरे प्रदेश के लोगों पे किसी पे भरोसा है कि सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। केवल आपका जो प्रतिनिधित्व करने वाला विधानसभा का सदस्य, आज जब मैं विधानसभा में खड़ा होता हूं तो प्रदेश का चाहे वो हमारा मुखालिफ भी है वो भी फिर टेलीफोन कॉल करके बैठ जाता है कि अब सरकार को किसी ना किसी इशू के ऊपर उसको एहसास कराने वाला व्यक्ति विधानसभा में खड़ा हो गया। होता है कि नहीं होता है? अब केवल आपके विश्वास है, आपके भरोसा है। इसके लिए अब हमें एक काम करना पड़ेगा, अब केवल हमें यहां तक नहीं सीमित रहना कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें नए कार्यकर्ता बनाने पड़ेंगे। अब ये छोड़ दो कि फलाना व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करेगा तो ताकत मिलेगी, नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो नए लोगों को मौका देने के लिए हमें इस जो चर्चा चलती है सारा दिन, जो लोग इस किस्म की चर्चाएं चलाते हैं कि भी पार्टी के अंदर फलाना शामिल हो जाए तो पार्टी मजबूत हो जाएगी, फलाना शामिल हो जाए तो पार्टी मजबूत हो जाएगी, अगर उन्हीं की तरफ बैठे देखते रहोगे तो फिर ये नई पनीरी जो है ये क्या करेगी? फिर तो मान के चलो वो लोग निर्णय लेंगे कि हमने कहां जाना है, क्या करना है, और हम उनके पीछे भेड़ की तरह लग करके चले जाएंगे।
इसलिए आज आपके ऊपर आपकी पार्टी पे लोगों को भरोसा है। हमने नए लोग तैयार करने हैं, नए लोगों को तैयार करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता को गांव गांव में संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। जब संगठन मजबूत हो जाएगा, लोगों को तो यह भरोसा है कि आने वाले समय में जिसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उम्मीदवार बना करके भेजेगी, हमें उसको जिता करके भेजना है ताकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बने। लोग बीजेपी से उब चुके हैं कि नहीं उब चुके? आज परेशान है हर वर्ग के लोग, केवल आप नहीं, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, चाहे कोई खेती करने वाला है, चाहे कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं। महिलाएं हैं, सब चाहते हैं कि बदलाव आए। कांग्रेस का 10 साल का राज देख लिया, और कांग्रेस का जो आज विपक्ष का नेता जो है, आज हर आदमी को इस बात का पता है, ये तो भाजपा की कठपुतली है। आज कांग्रेस आपस में लड़ रही है, जूतियों में दाल बंटती है। हर आदमी को इस बात का पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आने वाले चुनाव में कांग्रेस जो है किसी कीमत के ऊपर अपना नेता नहीं बनाएगी, है कि नहीं है? तो फिर बचा कौन है? अब तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बची है कि नहीं बची है? और आपकी पार्टी पे इसलिए भरोसा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2000 से 2005 के बीच में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को हर तरह की सुविधाएं प्रदान करने का काम किया था। ये सरकार तो केवल लड़ाना जानती है, केवल विवाद खड़े करना जानती है। आजकल एक नया विवाद खड़ा कर रखा है, इसकी शुरुआत करी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे पहले चौधरी देवीलाल के नाम पे थर्मल पावर प्लांट जो पानीपत में लगा हुआ है, उसकी जो छठी यूनिट जो थी वो चौधरी देवीलाल के नाम से थी। और हुड्डा जब 2005 में मुख्यमंत्री बना तो उसने सबसे पहले उस थर्मल पावर प्लांट के नामकरण जो चौधरी देवीलाल के नाम से था उसको कागजों में हटाने का काम किया। जब उसने हटाया था उस वक्त चौधरी रणजीत सिंह जो आज बीजेपी के साथ मंत्री है, वो हुड्डा के साथ प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल का नाम हुड्डा हटा रहा था और चौधरी रणजीत सिंह चुपचाप बैठे थे। इसलिए चुपचाप बैठे थे कि उन्हें कुर्सी चाहिए थी, गाड़ी चाहिए थी, कोठी चाहिए थी, इसलिए विरोध नहीं किया। उसने शुरुआत करी। उसके बाद 5 फरवरी को पानीपत के अंदर पार्टी की तरफ से एक बड़ी मीटिंग का आयोजन रखा गया और जब लाखों लोग वहां इकट्ठे हुए तो हुड्डा को मजबूर होकर के चौधरी देवीलाल के नाम से जो थर्मल पावर प्लांट था अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उसके बाद चौधरी देवीलाल के नाम से ये जो केएमपी है, कुंडली मानेसर पलवल जो हाईवे बना हुआ है, ये चौधरी देवीलाल के नाम से था। और इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन बीजेपी वालों ने उसका नाम बदलने का काम किया। उस वक्त ये दुष्यंत दिग्विजय जो थे ये रोज कुंडली उस बॉर्डर के ऊपर खड़े होते थे, पार्टी की तरफ से ड्यूटियां लगी होती थी सबकी अलग अलग, इस बात का विरोध करो। ये भी उस विरोध करने वाली सबसे अगली पंक्ति में खड़े होने वाले थे। ये कहते थे कि हम किसी कीमत के ऊपर नाम नहीं बदलने देंगे। रोजाना उस पत्थर के साथ जो चौटाला साहब ने लगाया था खड़े होकर फोटो खिंचवाया करते थे। आजकल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? दुष्यंत। तो नाम दोबारा रखा दो। नहीं रखा सकता, उनको चौधरी देवीलाल के नाम से कोई मतलब नहीं है। उनको तो कुर्सी चाहिए बेचारों को, उनको भी कार और कोठी चाहिए। अगर वो चौधरी देवीलाल के नाम से वोट लेकर के आए हैं और वो कहते हैं कि हमारी पार्टी जब वो चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलने वाली है तो फिर सरकार के घेटवा दे देना चाहिए कि नहीं दे देना चाहिए? सरकार तो उनकी वजह से चल रही है, फिर तो कह देना चाहिए मुख्यमंत्री को
या तो चौधरी देवीलाल के नाम से दोबारा उस एमपी का नाम रखो, नहीं रखोगे तो फिर तू मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, हम अपना समर्थन वापिस ले लेंगे। लेकिन समर्थन वापिस नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि बहुत लूट मचाई है, इनकी फाइलें भी तैयार है इनके पास, बीजेपी वालों के पास। अगर ये कहीं यूं कह दे कि हम समर्थन वापिस ले तो शाम को ईडी वाले उठा के ले जाए, ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। जहां चौधरी देवीलाल के नाम को हरियाणा से खत्म करने का प्रयास कांग्रेस ने बीजेपी ने किया, वहीं से बीजेपी ने चौधरी बंसीलाल के नाम को भी खत्म करने के लिए चौधरी बंसीलाल के नाम से बनी हुई यूनिवर्सिटी भिवाणी में जो है उसका जो कैलेंडर बनता है उसके ऊपर से उठ के फोटो हटा दिया, उनका नाम हटा दिया। इसका जब विरोध हुआ तो रातों रात नए कैलेंडर छपाने पड़े। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा माने जाते थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, उनके नाम से एचयू बना हुआ है, उसका नाम भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, उसके अंदर भी चौधरी चरण सिंह का फोटो हटा दिया, उनका नाम हटा दिया, फोटो लगा दिया प्रधानमंत्री का, फोटो लगा दिया मुख्यमंत्री का। ये एक सोची समझी चाल है इन लोगों की, ये इस तरह का विवाद खड़ा करके लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। रोज कोई ना कोई इस तरह के फैसले ये सरकार लेती है जिससे लोगों का ध्यान बटे। ये कैसे किसान कमजोर हो इसके लिए योजनाएं बनाते हैं, उसके लिए नए नए बिल लेकर के आते हैं। इसलिए साथियों इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोग हमें लड़ाने के लिए कभी मुसलमान को हिंदू को लड़ाते हैं, जाट आरक्षण ये जो आपका आंदोलन चल रहा था इन तीन काले कानूनों के खिलाफ, इन्होंने इस तरह के हालात पैदा नहीं कर दिए थे कि सिख और हिंदू भी आपस में लड़े। 26 जनवरी के दिन एक साजिश के तहत इन्होंने इस बात का प्रचार किया था कि सिखों ने तिरंगे का अपमान कर दिया, वो भी एक साजिश थी, क्योंकि वहां जो सिख बड़ी संख्या में बैठा था, जो हमारे हरियाणा के लोग बैठे थे उनके साथ लड़ाना चाहते थे कि आपस में लड़े ही आंदोलन खत्म हो जाए। अब ये नया काम शुरू कर रहे हैं, इस प्रदेश को जाति के आधार के ऊपर बांट लिया जाए, इनके फोटो हटा देंगे, एक जाति विशेष के लोग इसका विरोध करेंगे, दूसरे लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इनकी मंशा है। ये हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, हमें अपने भाईचारे को मजबूत रखना है, अपने पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना है। इसके लिए लोगों के बीच में जाकर के जहां पार्टी का प्रचार करना है वहीं लोगों में इस बात का विश्वास पैदा करना है कि अगली सरकार आपकी बनेगी। अब तो विश्वास केवल और केवल आपकी पार्टी पे लोगों का है और किसी व्यक्ति पे नहीं है, किसी पे है तो बता दो आप। कांग्रेस के पास तो संगठन ही नहीं है, पिछले 10 साल से कोई संगठन है कांग्रेस का? ना कोई जिले का अध्यक्ष है, ना कोई हलके का अध्यक्ष है, ना कोई इनका स्टेट लेवल पे है, सिर्फ एक अध्यक्ष बन रही है स्टेट लेवल पे। संगठन अगर किसी पार्टी का है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। आज इनके जेजेपी के बीजेपी के कोई संगठन वाले हैं वो तो ये मान के चलो केवल और केवल ठगी मारने वाले हैं, वो तो दाव लगाने वाले हैं, अभी इनके संगठन में कोई पद ले ले और उसके बाद कोई छोटा मोटा दाव लगा ले। जिस दिन तुम लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई में आगे बढ़ोगे थारे लाइन लग जाएगी, इन लोगों में शामिल होने वालों लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? बस तो इसके लिए हमने किसी और की तरफ नहीं देखना, हमने अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, नए लोगों को मौका देना है, खास करके युवा पीढ़ी को आगे लाना है। जब युवा को आगे लेकर के आएंगे, युवा जब संगठित हो जाएगा तो बदलाव अपने आप ही आ जाएगा। मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बातें करके जाऊं लेकिन मजबूरी है, अगला प्रोग्राम का टाइम हो गया, वहां पे भी कार्यकर्ता साथी इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आपसे इजाजत लूंगा और आपको एक बार फिर बधाई दूंगा कि आपने इलेक्शन में जिम्मेवारी को